दोस्तों, भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं और कई तरह की प्रथाओं का पालन भी करते हैं। हमारा देश अनेकता में एकता की भूमि कहलाता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रथाएं शादियों को लेकर हैं, जिसमें कई तरह के रीति रिवाजों को देखा गया है। आज हम आपको शादी से जुड़ी एक अहम प्रथा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें दुल्हन की जगह दूल्हे की विदाई की जाती है। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। क्या आपने कभी ऐसे समुदाय के बारे में सुना है जिसमें शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर नहीं जाती, बल्कि दूल्हा दुल्हन के घर जाता है? ऐसा भी होता है। मेघालय की खासी जनजाति के बारे में, ये जनजाति पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में खासी समुदाय महिलाओं के अधिकारों का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यहाँ के राज्य की लगभग 25% आबादी इसी समुदाय की है और ये समुदाय मातृसत्तात्मक है। बता दें कि इस समुदाय में माता पिता की संपत्ति पर महिलाओं का पहला अधिकार होता है। परिवार के सबसे छोटी बेटी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है और घर की संपत्ति की असली मालिक भी एक महिला ही होती है। यहाँ पर लड़कियाँ अपने अनुसार लड़कों को पसंद करती हैं और उसके बाद शादी भी करती हैं। इस समुदाय के लोगों को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी है। इस जनजाति के अलावा मेघालय की अन्य दो जनजातियाँ हैं, जिनका नाम गारो और जयंतिया है। ये दो जनजातियों में ये व्यवस्थाएं है कि यहाँ पर शादी करने के बाद लड़की की जगह लड़के को घर लेके जाया जाता है। जहाँ भी शादी के बाद दूल्हा अपने ससुराल में रहता है, जहाँ देखा जाता है कि लड़का होना ज्यादा मनाया जाता है। यहाँ पर शादियों में इसके साथ संगीत भी बजाया जाता है, जिसमें गिटार, बांसुरी, ड्रम जैसे विभिन्न वाद्य यंत्रों को गाते और बजाते हैं और शादियों का पूरा मजा भी लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की इन जनजातियों के प्रथाओं के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई सारी ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।